हाय गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सही होंगे। तो गाइस, मैं आज दोपहर से ब्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ। दोपहर को मतलब आई मीन दोपहर को, सुबह से मैंने कोई स्टार्ट नहीं किया, कहीं भी नहीं गया। तो दिलीप आ चुका है स्कूल से, सॉरी हाँ स्कूल से ही, क्योंकि अब वो जा रहा है ट्यूशन। तो दो ट्यूशन पढ़ के आएगा और उसके बाद मैं कहीं घूमने चलूँगा। मैं इसको लेकर कहीं ना कहीं चलेंगे, क्योंकि घर पर सुबह से बैठे रहो और मन नहीं लगता, क्योंकि मैं भी कॉलेज नहीं गया। मैं आज सोचा था कॉलेज जाऊँ, लेकिन मैं कॉलेज ही नहीं गया। दिमाग में आया तो नहीं गया, दोस्त का फ़ोन किया, वो भी बोल रहा था कि मैं बता दूंगा, वो भी नहीं गया। तो कोई नहीं, आज वैसे भी कॉलेज में कोई नहीं आया, तो मैं भी क्या करता जाके। तो शाम को ये आएगा ट्यूशन पढ़ के, तो कहीं चलते हैं घूमने के लिए। तो मैं दिखाता हूँ, देखो ये तो आ गया स्कूल से आ रहा। तो देखो बालों को काट रहा है, कल तो इसने अमरूद खाए, यहाँ पर आराम से अमरूद रखे थे, अमरूद खाए और अब हंस बालों को काट रहा है अपने आराम से। तो फिलहाल तो इसको जान दो ट्यूशन, फिर बाद में हम कहीं घूमने चलेंगे शाम को। गाइस मैं ऊपर चलता हूँ, क्योंकि ऊपर मम्मी पापा सिस्टर दादी सब ऊपर बैठे हुए, तो मैं भी चलता हूँ ऊपर, धूप लेता हूँ, क्योंकि यहाँ तो धूप नहीं है। खैर आज धूप बढ़िया निकली है और ओके, मतलब और दिनों के मुकाबले। तो ऊपर चलता हूँ, फिर जा रहा ट्यूशन, चल दिया। गाइस हम आ गए हैं, सारे यहाँ बैठे हैं आराम से, अमरूद खा रहे हैं सब। चल दिया, ज़्यादा स्पीड में भगाएगा? कितने किलोमीटर की स्पीड में भगाएगा? कितने किलोमीटर पर आवर? 90 पर किलोमीटर आवर है, 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में चलेगा तू? आराम से चला लेकर बता रहा हूँ मैं तुझे। तो भाई दिल तो आ चुका है, लेकिन अंधेरा हो रहा है भाई। ये रहा दिलीप, तो आ चुका है और हम जा रहे हैं मम्मी पापा के साथ सब्जी लेने के लिए। चल मम्मी पापा के साथ सब्जी लेने चलना है, मम्मी पापा कह रहे हैं। तो भाई इसकी साइकिल में दिक्कत ये आ गई, इसकी चैन हो चुकी ढीली, तो बार बार उतर रही है। पापा जी कर रहे हैं इसको चैन, तो खुद चैन थोड़ी कर रहे हैं, अभी स्टैंड कर रहे हैं। तो ये ढीली इतनी हो गई है, हाथ देख काले हो गए होंगे तेरे अब। होगी तो चैन में टिल डाल। गाइस हम तो ऐसे खड़े हैं साइकिल में, भैया चला, इसको बैठने का नहीं है ना यार, उसी तो पीछे खड़ा हो गया। ये देखो मैं बुलटो पे खड़ा हूँ। ओ भाई चढ़ 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 चढ़। वो कितने दिन बाद चला रहा हूँ मैं साइकिल, थोड़ा पास है। गाइस भूला नहीं हूँ साइकिल चलाना, अब भी आ रहा है, कई साल बाद आज साइकिल चला रहा हूँ। अभी इसकी साइकिल आई थी, जब से मैंने बिल्कुल नहीं चलाई इसकी साइकिल। एक बार चलाई थी, एक बार और चलाई थी वैसे साइकिल, है ना, चलाई थी ना बेटा। कांटे तो ना पड़ोंगे, तो फाइनली गाइस हम आपको सब्जी लेने आ गए हैं और पापा हमको हेल्प करवा रहे हैं। देख 70 दिन का आए हो भैया, ऐसे हाथ कटते हैं हमारे भैंसों और गाय गायों के लिए। देखो ऐसे काटते हैं, तो गाइस मैं आपको आज यहाँ जो सब्जी लगाते हैं ना खेतों में, तो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर सब्जी, जो मटर लगा रखी है, मटर है और बहुत सी चीज़ें, मैं मटर दिखाता हूँ आपको। तो देखिए गाइस, वहाँ से लेकर के यहाँ तक सारी मटर है और यहाँ भी मटर है। तो मटर के पेड़ दिखाता हूँ मैं आपको कैसे होते हैं। ये होती है मटर, इसमें लगती है मटर, मतलब ये एक बेल तो नहीं होती, मतलब मिट्टी में लगती है, पेड़ की तरह लग जाते हैं और इनमें मटर आती है, लेकिन इसमें अभी तो शुरुआत है इनकी, इसलिए इसमें कुछ है नहीं है, ऐसा मटर वगैरह कुछ लगी हुई नहीं है। अभी जब ये बड़े हो जाएंगे ना, तो इसमें इतने बड़े बड़े फिर इसमें यहीं से ही निकलने लग जाते हैं मटर। फाइनली गाइस हमने सब्जी ले ली है, मम्मी ने सब्जी ले ली, बहुत टाइम लगा है वैसे, मुझे ना भूख लग रही है बहुत तेज। मैंने 11:30 बजे से, मतलब मान लो 12 बजे से मैंने कुछ नहीं खाया और बजने को जा रहे हैं, देखते हैं अभी टाइम देख के बताता हूँ आपको। 5:42 हो चुकी है, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। भैया अभी तेज नहीं चला रहे, मैं इनसे बोल रहा हूँ जल्दी चलो, लेकिन ये चल नहीं रही। वो तो लंबा वाला जो, अरे कहाँ जा रहे हो, अरे अपनी गली तो ये जा रही है, कहाँ जा रहे हो भैया? कोई ना आगे चल ले,
आगे से कहाँ से जाओगे? मुझे भूख लग रही है, कोई बात नहीं, जल्दी पहुंच रहे हैं। रेस में नाली है, नाली से निकलना रहता है। अच्छा तुम पे ना, तो गाइस ये तो इतना डर रहे थे, दूसरी वाली गली से आए, अब घर आ गए, मुझे भूख लग रही है, मैं खाने खाने जा रहा हूँ। दूसरा है, तो गाइस भाई तो बाहर साइकिल चला रहे हैं, मुझे भूख लग रही है, मैं खाना खा रहा हूँ। तो गाइस ये है मेरा खाना, मुझे साग ना बहुत अच्छा लगता है, मम्मी ने भी आज साग बनाया है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मैं थोड़ा सा लैपटॉप भी चलाऊंगा खाते खाते आराम से। सो गाइस मुझे अभी जाना दुकान पर, क्योंकि मटर लेके आनी है, छोटी जो वाइट वाइट कलर की होती है, मटर लेके आते हैं और चलते हैं। भाई दुकान दो ही खुली पड़ी है, कोई नहीं दिख रहा है बाहर, और हम आ रहे हैं 9 बजे बाहर। गाइस फाइनली मैं इस ब्लॉग को यहीं भी ख़त्म करता हूँ, क्योंकि दुकान से तो आ चुका हूँ और सोता हूँ। सो गाइस गुड नाइट एंड लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय।